हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर जनवरी 2024 लेकर वर्तमान में आपके देखिए क्या चल रहा है। इस समय अगस्त चल रहा है, तो हम पिछले 6-7 महीने को जो है करंट अफेयर इसे अच्छे से फॉलो करेंगे। जो कि आपके जैसे कि अभी देखिए वर्तमान में तो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपका आरओ एआरओ और आपका जो प्री होना है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स होना है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य जो भी यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होंगे आपके वीपीओ का हो गया या आपका जूनियर असिस्टेंट का, इन सब के लिए आपकी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें हम जनवरी माह को कवर करेंगे। बाकी इसी तरह आपको इस सीरीज में वीडियो मिलती जाएंगी जिसे हम देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16th फाइनेंस कमीशन, जिसका उल्लेख यानी हम वित्त आयोग जानते हैं, इसका उल्लेख कहे में है, तो आर्टिकल 280 में ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और 16th फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं कौन नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं, ये चीज़ भी आपको 2024 में ये बना है, ठीक। इसको रिपोर्ट जो है अपने कब तक सौंपनी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 31 अक्टूबर 2025 तक इसको रिपोर्ट सौंपनी है। और इसकी जो सिफारिशें होंगी वो कब से कब तक क्लियर होंगी, तो ये भी ध्यान देना है आपको, 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले 5 साल के लिए यानी 26 से 2031 तक लगभग इसकी इनकी रिपोर्ट होने वाली है, ठीक है, सिफारिशें जो है मानी जाएंगी। इसको देखिए संरचना की बात करें, जो फाइनेंस कमीशन होता है इसकी संरचना कैसी हो, देखिए इस पे एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनकी अर्हता क्या होती है यानी एलिजिबिलिटी, ये भी आपको देना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या तो प्रशासन के बारे में जानकार होना चाहिए, वित्तीय मामले या अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसको देखिए 15th फाइनेंस कमीशन को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। 15th फाइनेंस कमीशन देखिए 2017 में गठित हुआ था, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए था, देख सकते हैं 2025-26 तक के लिए था, तो इसलिए 16th फाइनेंस कमीशन को रख दिया, तो ये आपका 2026 लेकर 2031 तक के लिए सिफारिशें देगा। इसके बाद दूसरे न्यूज है ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स, आपको 2023 में आया है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इस पर आपको ये बस ध्यान देना है वर्तमान में जो भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं इनकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। उस समय देखिए इलॉन मस्क थे, $219 बिलियन इनकी कमाई थी, और महिला जो सबसे ज्यादा पैसे वाले थे फ्रांसिया बेटनकोर थी जो कि फ्रांस के रहने वाले थी, और इनकी आप देख सकते हैं आय $95 बिलियन के आसपास थी। तीसरा है पृथ्वी योजना, तो ये क्या है, पृथ्वी विज्ञान है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से ये योजना है, और ये 2021 से 2026 तक के लिए है। इसके अंतर्गत देखिए 5 सब स्कीमें, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अंदर देखिए एक क्रॉस है, ओ स्मार्ट है, पेसर है, और आपका सेग है, और आपका रीच आउट, इनके आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एक क्रॉस का फुल फॉर्म देखिए क्या है, एटमॉस्फियर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशनल सिस्टम एंड सर्विसेज। इसको देखिए ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद पेसर में क्या है, तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च है, ठीक। इसके बाद सीक का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्मोलॉजी एंड जियोलॉजी है। इसके बाद रीच आउट पे क्या है, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक। इसके बाद चौथा है आपका क्या है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ये देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा है। इस पे है क्या, तो FIR दर्ज होने के 75 दिन में जाँच पूरी करने के बाद इसमें कही गई है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान, किस राज्य सरकार की है। इसके बाद पाँचवा है आदित्य L1 मिशन के बारे में, इसका देखिए व्हीकल क्या था जिससे भेजा गया है, तो PSLV C57 था, और ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक गया है। 6 जनवरी को देखिए L1 पर पहुंचा है, ठीक है। इस पे देखिए अब भारत कौन सी लिस्ट में आ गया है कि जिसने सूर्य तक अपना मिशन भेजा है, तो देखिए यूरोप USA जापान और चाइना बस थे इस लिस्ट में, तो वर्तमान में भारत भी इस लिस्ट पर आ गया है। L1 देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटी होती है नगण्य हो जाती है, ठीक है, यानी संतुलन में रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पेलोड्स की बात कर लें, देखिए पेलोड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VELCS SUIT सूट एस्पेक्स हो गया, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज हो गया, इसके बाद सोलेक्स है और हेलोस, इसके अलावा क्या है मैग्नेटोमीटर, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। VELC क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनाग्राफ है। इसके बाद देखिए सूट क्या है, तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। एस्पेक्स क्या है, तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके बाद सोलेक्स क्या है, तो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। हेलोस क्या है, तो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके बाद देखिए छठवीं न्यूज क्या है आपके लिए, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 किससे संबंधित, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यदि आपके ऊपर कोई दोष है तो आप उसका आत्मदोषारोपण के विरुद्ध इसमें संरक्षण दिया गया है, यानी आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है दोष सिद्ध करने के लिए, ठीक है, ये पुलिस का काम या अन्य का काम है।
इसको देखिए सातवीं न्यूज क्या है, प्रोजेक्ट मारूफ। ये प्रोजेक्ट मारूफ क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स के इतिहास का संकलन इसमें किया गया है, डिजिटलीकरण उसका किया गया है, ऐसी योजना की बात की गई है। इसका फुल नाम क्या है, नो द पास्ट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, इसका फुल फॉर्म है। इसको देखिए आठवीं न्यूज है, देश देश का फर्स्ट बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है खबर, मथुरा यूपी में, ठीक। इसको देखिए नाइटहुड उपाधि किसे दी गई है, तो अमृतपाल सिंह है जो चिकित्सा क्षेत्र से हैं, और नाइटहुड उपाधि किसे कौन देता है, तो ये ब्रिटिश के जो इस समय के राजा हैं चार्ल्स थर्ड द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि। दसवीं न्यूज क्या है, अपने देवका नदी पुनर्जीवन परियोजना है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के, इम्पोर्टेंट है खबर, ठीक है। ये इस रावी की सहायक नदी पर है और इसे सिस्टर ऑफ गंगा भी कहते हैं। इसके बाद देखिए ग्रीन कवर इंडेक्स की बात करें, इसे निकालता कौन है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकालती है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपको कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा ये चीज़ आपको ध्यान देना, हरित राजमार्ग नीति आपकी 2015 में आई थी। इसके बाद देखिए वर्ल्ड में दाल उत्पादक और आयातक में टॉप कौन है, तो इंडिया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यानी उत्पादन भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। अरहर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल की बात करें, देखिए ये आपको, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सहकारिता मंत्रालय और आपका नैफेड हो गया और NCCF, ये तीनों संस्था मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं। नैफेड है क्या, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। NCCF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा तीसरी 13th न्यूज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन अवार्ड 2023, ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके विनर कौन है, तो बुरहानपुर है जो कि MP का जिला है, ये केला प्रसंस्करण के लिए आपका फेमस है। इसको देखिए वर्ली जनजाति, ये चीज आपको ध्यान है, वर्ली जनजाति कहाँ से संबंधित, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये देखिए मुंबई में शिवाजी संग्रहालय का बनाने का इस जनजाति ने विरोध किया है, चीज भी आपको ध्यान देना है। नृत्य कला नदी पुरस्कार की बात करें, तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये दिया जाता है, और किसे दिया गया है, तो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को ये मिला है। इसको देखिए PM श्री स्कूल, इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है, PM स्कूल श्री स्कूल आपको ध्यान देना है। ये स्कूलों को सुधार करने की बात की गई, प्राथमिक स्कूलों में देख सकते हैं यूपी के लगभग 928 स्कूल हैं जिसमें इसे स्टार्ट किया जाएगा, और देश में 14,500 हैं। ये आपकी केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 17वीं न्यूज क्या है, वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन, ये इसमें आपके तीन शहर आएंगे, कौन कौन से, इंदौर भोपाल और उदयपुर आ रहे हैं, ठीक है, वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन में। और रामसर कन्वेंशन आपको 1971 में होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ईरान की सिटी में। ये आपको देखिए रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये ध्यान देना, COP12 कहाँ हुआ, तो ये उरुग्वे में हुआ है, शहरी वेटलैंड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए। 18वीं न्यूज क्या है, आपके लिए इंडिया और नेपाल के संबंध में, एस जयशंकर जी आपके नेपाल गए थे, देखिए तीन समझौते हुए नेपाल में, देखिए 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जो है इंपोर्ट करेगा भारत अगले 10 सालों में, चीज आपको ध्यान देना है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत सहयोग करेगा नेपाल का, और नेपाल का जो देखिए मुनाल सेटेलाइट है इसे हम PSLV से प्रक्षेपित करेंगे, चीज आपको ध्यान देना है। 19वीं न्यूज क्या है, पेट्रियॉट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये आपकी USA का है, और ये क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल दोनों तरह से काम करता है, उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल आपके ऐसे सीधे चलती है जमीन से जमीन में, और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये आपकी परवलयाकार अटैक करती है, चीज आपको ध्यान देना है। 20वीं खबर है आपके लिए ब्रिक्स से संबंधित है, ब्रिक्स में देखिए अब 5 की जगह 10 देश हो गए, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनमें एक चीज और ध्यान देना, अर्जेंटीना ने पहले हाँ कर दी थी, लेकिन अमेरिका के प्रभाव के चलते इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। 2023 में देखिए ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो जोहानिसबर्ग में हुआ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नए देश आपके कौन कौन से, तो इनके नाम याद रखना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE है। इसके बाद 21वीं न्यूज आपके लिए, के स्मार्ट ऐप क्या है, तो केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये स्थानीय निकायों के लिए सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ये क्या है, तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है, और KFI में देखिए 2,000 पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसको देखिए 22वीं न्यूज आपके लिए, SKAO परियोजना, ये देखिए सबसे बड़े दूरबीन निर्माण की बात कीजिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पहले देख ली, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, भारत इसमें शामिल है, 1 जनवरी 2024 से शामिल हो गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट है कौन सा, SKAO इसका परियोजना, ठीक है, 2021 में बना था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन है, 2019-29 तक ये पूरा हो जाएगा। इस पे देखिए कौन कौन है, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसे स्थापित किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में देखिए ध्यान देना है कारू डिजर्ट में, और ऑस्ट्रेलिया में ये भी आप ध्यान देना है मुटसन रेडियो ऑब्जर्वेटरी में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद 23वीं खबर है डिजर्ट साइक्लोन। यह डिजर्ट साइक्लोन आपके राजस्थान में ये एक्सरसाइज एक हुई है, इसे लागू में किया गया है। कहाँ? राजस्थान में। और ये इंडिया और यूएई के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ है शहरी आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए। 24वीं न्यूज है भारतमाला प्रोजेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान देना, इसका विस्तार कर दिया गया है 2023-24 से 2027-28 तक के लिए। 2015 में देखिए स्टार्ट होती है, इम्पोर्टेंट है। भूमि अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होने के कारण भारतमाला प्रोजेक्ट को विस्तारित कर दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका लक्ष्य क्या है, 5.35 लाख करोड़ में 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 25वीं न्यूज का है तो मनरेगा का पेमेंट जो है देखिए अब आधार बेस्ड पेंशन सिस्टम से कर दिया गया है। पेमेंट सिस्टम यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यहाँ पर लागू करा दिया गया है मनरेगा में। मनरेगा 2005 में स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना एक्ट के माध्यम से। इस पे देखिए मनरेगा में 14.28 करोड़ श्रमिक हैं। 26वीं न्यूज का है प्रतिबिंब पोर्टल इंपॉर्टेंट, होम मिनिस्ट्री द्वारा ये चालू की गई है, और झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट इसका किया जा रहा है। अपराधी के बारे में सारी जानकारी ये प्रदान करेगा, ठीक है। 27वीं न्यूज है 4 जनवरी, इस समय हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है 14th MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला, तो बी आर कम्बोज को मिला है, ये एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित है। चाय पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर, तो हुगली नदी तट पर है, वेस्ट बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में GI टैग आपके किसे किसे मिला है, देखिए आदि केकिर को मिला है, तिब्बती कालीन को मिला है, और बांचो लकड़ी शिल्प को मिला है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 29वीं खबर आपके लेके है नो योर आर्मी, ये प्रदर्शनी कहाँ लगी है, तो लखनऊ में लगी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कीमो दवा सीरप आपकी कौन सी है, तो ये प्रिवाल है। कीमो दवा सीरप आपकी किससे संबंधित, तो ये कैंसर की दवा के रूप में ध्यान देना है आपको प्रिवाल को, ठीक है। 31वीं न्यूज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हर तिमाही में निकलती है, ठीक है। इस पर देखिए इस बार टॉप किया था फ्रांस ने, और इंडिया की रैंक 80 थी। 32 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, यानी आपके लिए क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपके आई है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी की गई है, 2024 रिपोर्ट आई है। टॉप घटनाएं देखिए इस पर कौन कौन सी हैं, तो पहली आपकी देखिए टॉप घटनाएं इसमें कौन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों घटनाएं आपकी AI के कारण होती हैं। दूसरा क्लाइमेट चेंज इसमें टॉप घटनाओं में आता है। डेमोग्राफी डिवाइड हो गया, और भू रणनीतिक बदलाव जो आप देख रहे हैं, जियोग्राफिकल जो भी आपके परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको देखिए रिस्क कैटेगरी में आपके 3 चीज़ें हैं, एक्सट्रीम वेदर, AI जनरेटेड न्यूज जो फेक न्यूज फैलती है, सोशल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये आपके देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क पैदा कर रहे हैं आने वाले समाज के लिए। 33वीं न्यूज क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024, ये ILO के द्वारा जारी की जाती है। ILO की स्थापना चीज आपको ध्यान देना 1919 में होती है। 2024 में देखिए बेरोजगारी दर आप देख सकते हैं 5.2% बढ़ेगी, और 2023 में ये दर कितनी थी, 5.1% थी। 24वीं न्यूज क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024, ये UN द्वारा ये जारी की गई है। 2024 में इसने कहा है कि इन्फ्लेशन कम होगी। 2024 में देख सकते हैं GDP 2.7% ये अनुमान था, जबकि रियल में कितनी रही, 2.4% यानी कम थी अनुमान से भी। 2023 में देखिए ग्लोबल बिजनेस आपको 0.6% से कम हुआ था, 2024 में यही जो बिजनेस है 2.4% से उठा है, ठीक है। 35वीं न्यूज आपके लिए नेशनल पैक्स सेमिनार, ये देखिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा SEDC के साथ स्टार्ट किया गया है, गाँव में जन औषधि केंद्र के संचालन से संबंधित है। इस पे देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसे हम पैक्स कहते हैं, इसके द्वारा संचालन के लिए पात्र होने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत 2000 पैक्स खोलना ग्राम में प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद 36वीं न्यूज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसके देखिए हेड इस बार कौन है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, भारत है, ठीक है। कंट्री का ऑफिशियल टेन्योर आपको देखिए 6 साल का होगा, 2015 के बाद से 4 ईयर में ही रिटायरमेंट अब कर दिया जाता है, ठीक है। 37वीं न्यूज है टेरेन मास्किंग, ये टेरेन मास्किंग क्या है, चीज आपको ध्यान देना है। विमान दुश्मन देश के रडार को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो इसे हम टेरेन मास्किंग कहते हैं, यानी कोई भी देखिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, और विमान देश जो यानी जो दुश्मन देश है उसके विमान को चकमा देकर हम अपने लक्ष्य तक यदि पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं, तो इसे हम टेरेन मास्किंग कहते हैं। अब कारगिल में रात के समय में ऐसे ही जहाज उतरा था, ठीक है, टेरेन मास्किंग के माध्यम से।
38वीं खबर है आपके लिए, समाधान पोर्टल है, इसको इम्पोर्टेंट है। ये यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। छात्रों को ऑनलाइन समस्या और शिकायतों को करने के लिए इस सुविधा को लाया गया है। ये 15 दिन के भीतर आपके समस्या का समाधान करेगा। 39th न्यूज ऐप की, इंटरनेशनल पर्पल सेलिब्रेशन, ये आपकी 2024 की रिपोर्ट है। गोवा में गोवा गवर्नमेंट के द्वारा और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे जो है लागू चालू किया गया है। दिव्यांगों को लक्षित इसमें पहला प्रोग्राम है। दिव्यांगों में देखिए, कला, आपका संगीत, नृत्य, चित्रकारी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पर्पल कलर, यह चीज आपको धंधना है। दिव्यांग व्यक्ति के सशक्तिकरण की बात करता है, ठीक है, चीज आपको धंधना है। 40वीं खबर है आपके लिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है आपका, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा सेवा सेतु इसका नाम रखा गया है। 2018 में बनना स्टार्ट होता है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 21.8 किलोमीटर है और समुद्र में ये 16.5 किलोमीटर तक है। साउथ मुंबई को ये नवी मुंबई से जोड़ने का काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं 17,840 करोड़ रुपए कॉस्ट आई है, ठीक। इसके बाद 41 कुछ न्यूज आपके लिए, असम मिजोरम जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके लिए समिति बनाई गई है। इसके हेड कौन है, तो के सपडांगा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1972 तक देखिए मिजोरम जो होता है ये असम का ही हिस्सा था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 42वीं खबर है आपके लिए, जलवायु सम्मेलन 2024 ये मुंबई में आयोजित हुए है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया इसकी थीम थी। इसके बाद 43वीं न्यूज है, भारत का फर्स्ट केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य ये आपका मुजफ्फरनगर है यूपी में, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपके 2014 में स्टार्ट की गई थी, उसी के तहत ये आपका अभयारण्य पहला खोला गया है। कामधेनु गाय अभयारण्य की बात करें तो कि भारत का पहला गाय अभयारण्य है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, साजापुर एमपी 2012 में, ठीक है, ये आपका खुला हुआ है। देखिए 44वीं न्यूज आपके लिए क्या, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, ये देखिए 8वीं अनुसूची में इनका ब्यौरा दिया गया है। इनके लिए एलिजिबिलिटी देखिए क्या होनी चाहिए, तो देखिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और साहित्य मौलिकता इनकी बनी रहनी चाहिए। देखिए भारत में क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो 6 है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, ठीक। 45वीं न्यूज है, त्रिशूर पूरम उत्सव, ये त्रिशूर पूरम उत्सव क्या है, तो केरल में देखिए अप्रैल मई में वड़क्कूनाथ मंदिर में ये होता है। वड़क्कूनाथ मंदिर किससे संबंधित, तो शिव भगवान से संबंधित है। केरल हाई कोर्ट ने प्रदूषण रहित करने को कहा है इसे, और ये स्टार्ट देखिए इसे किसने किया था, त्रिशूर पूरम उत्सव को, तो कोचिन के महाराजा थे सक्तिन सक्थन, ये तो हम राम वर्मा 1805 में जानते हैं नाम से। इसमें देखिए हाथियों को नेटिपट्टम सुनहरा मुकुट और घंटियां उनमें बांधी जाती हैं और आभूषणों से इन्हें सजाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा, इनकी थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ, इंपॉर्टेंट है। 2016 में स्टार्ट होती है। इस पर देखिए टॉप जिले कौन से हैं, तो पहले देखिए इंदौर और सूरत इस बार दोनों साथ में आए हैं पहले नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपकी नवी मुंबई है। टॉप स्टेट देखिए पहला महाराष्ट्र, दूसरा एमपी है। गंगा शहरों में टॉप की बात करें तो बनारस है, फिर इसके बाद प्रयागराज है। स्वच्छ कैपिटल की बात करें तो आपकी भोपाल है। इसके बाद 47वीं न्यूज है आपके लिए, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट होती है। 2 अक्टूबर 2019 तक देखिए ओडीएफ फ्री की बात कही जाती है। 2019 में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया जाता है और 6 लाख प्लस गांव जो है शौच खुले में मुक्त हो चुके हैं इस समय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होती है 5 साल तक के लिए। 48वीं न्यूज है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 गांधीनगर में द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है ये। इसकी थीम क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। इनमें देखिए अतिथि देश कौन है, तो अतिथि आपकी यूएई है और उनके प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 49वीं न्यूज है आपके लिए, ग्रीन पोर्ट रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप ये 2047, ठीक। ये जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम IWAI कहते हैं, ये स्थापना की गई थी 2023 में ही, अभी नई नई बनी है। इसके द्वारा ये रोड मैप तैयार किया गया है। 6,000 करोड़ का ये 60,000 करोड़ का बजट है। 2047 तक देखिए 2 लाख से 15 लाख तक टूरिज्म को बढ़ाने की बात कही गई है। इसको देखिए क्या है, प्रेरणा प्रोग्राम, ये IIT गांधीनगर द्वारा निर्माण किया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम इसमें शुरू करने की बात कही गई है, क्लास 9 से क्लास 12 तक के लिए है ये। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट ये 51 न्यूज ऐप के लिए, ये देखिए चाइना द्वारा आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा ये भेजा गया है
इसका टारगेट क्या है, अगले 3 साल तक सुपरनोवा विस्फोट से जो पहली रोशनी प्राप्त होती है और एक्सरे संकेत की खोज और निष्क्रिय ब्लैक होल की खोज की बात इसमें की जाएगी। 52nd न्यूज है, भारत के प्रदूषित शहर, इसको देखिए रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये चीज भी आपको ध्यान है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे हम क्रिया कहते हैं, ये फिनलैंड की संस्था है। टॉप में आप देख सकते हैं बर्निहाट है मेघालय, मेघालय का शहर, बिहार का है बेगूसराय और यूपी का है ग्रेटर नोएडा। फिफ्टी थर्ड न्यूज आपके लिए, चंदुबी महोत्सव, ये असम के कामरूप जिले में चंदुड़ी जिले को, चंदुड़ी झील को बचाने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। 54th न्यूज है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन, ये देखिए इंडियन नेवी द्वारा जो है फर्स्ट स्वदेशी निर्मित है, और ये देखिए अडानी डिफेंस द्वारा इसराइल की मदद से इसका निर्माण कराया जा रहा है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। इसको देखिए अल शबाब, ये क्या है, 55 है, 55 55th न्यूज है आपके लिए, अल शबाब ये सोमालिया में एक क्षेत्र है जिसपे देखिए यूएन हेलीकॉप्टर को यहाँ के टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था, ये चीज आपको ध्यान देना, अल शबाब के बारे में ध्यान देना है, सोमालिया का है। 56th न्यूज है, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है, तो इसरो को यह दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना, सीएनएन न्यूज टीम चैनल के द्वारा। योगश्री ये क्या है, तो योगश्री देखिए वेस्ट बंगाल द्वारा जारी किया गया है, स्टार्ट किया गया है सामाजिक कल्याण योजना के तहत, SC ST के छात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल की इसमें बात कही गई है। मूल्य प्रवाह 2.0 ये क्या है, देखिए ये UGC द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है, उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता पर केंद्रित करने की बात इसमें कही गई है। आकाश मिसाइल ये क्या है, तो देखिए DRDO द्वारा ये बनाया गया है, ये चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र में इसका अभ्यास किया गया है, ठीक है, ये चांदीपुर परीक्षण केंद्र आपको कहाँ है, तो उड़ीसा में है। जमीन से दागे जाने वाली ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बाद 60th नंबर है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई है, और इस पे देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप इंडिया ने किया है, दूसरा चाइना है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, देखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है, द्विवार्षिक होता है, 2023 में ये इंदौर में हुआ है, और 2015 से द्विवार्षिक कर दिया गया था, और 2003 में ये स्टार्ट होता है। इसके देखिए 2023 की थीम क्या है, तो डायस्पोरा अ रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। बायो इमेजिंग पार्क की ध्यान देना है, कैंसर का पता लगाने के लिए है, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा इस बैंक का निर्माण किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। विंग्स इंडिया 2024 नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, इसमें देखिए बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आपका विंग्स इंडिया प्रोग्राम मनाया गया है। राजा जी टी आर क्या है, लुप्त प्राय देखिए हांग हिरण को देखा गया है राजा जी टाइगर रिजर्व में, चीज आपको ध्यान देना, यह है कहाँ राजा जी टाइगर रिजर्व, ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, लॉन्जियस और पेंटिंग, ये देखिए GI टैग मिला है जो कि उड़ीसा का है, वांचो वुडन क्राफ्ट है जो कि GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का, ये है, ठीक है। इसको देखिए 66th नंबर है आपको, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये आपको कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है, नागर शैली में बना हुआ, इसके मूर्तिकार अरुण योगी राज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे हैं। निर्माण किसने किया, तो L&T कंपनी ने किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी कौन थी, तो आपकी कौन सी, TCEL थी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड थी। स्टील लोहे का इसमें प्रयोग नहीं किया गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजस्थान के भरतपुर का गुलाबी बलुआ पत्थर जो है चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थर के रूप में लगा हुआ है। इसके देखिए मूर्तियां जो है शालिग्राम चट्टान की है, जो कि गंडक नदी नेपाल के यहाँ से आई है, और ये 60 मिलियन ईयर पुरानी है, चीज भी आपको ध्यान देना है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 161 फुट हाइट है, और लेंथ है 380 फीट है। इसके बाद देखिए असर रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असर रिपोर्ट, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ठीक है, ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2005 से रिपोर्ट जारी की जा रही है। 14 से 18 साल के बच्चे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो इनके ध्यान देना है, इस पर देखिए 86.8% है जो कि नामांकन है स्कूलों में कक्षा 11 या इसके बाद, देखिए 55.7 बच्चे हैं जो कि आर्ट्स लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 26 राज्यों के 28 जिलों के 35,000 बच्चों पर ये सर्वे किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 69th नंबर की रिपोर्ट है आपके लिए, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसके अंतर्गत 12 संकेतक हैं जैसे पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, पानी हो गया, बैंक हो गया, और भी अन्य है। देखिए 2013-14 में
गरीबी आपकी 29.17% थी और 2022-23 में कितनी हो गई, तो 11.28% आपकी हो गई है। पॉवर्टी कम की गई है, 24.82 करोड़ लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से निकले हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आज सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से किस राज्य से निकले हैं, तो यूपी से निकले हैं, इतनी देख सकते हैं आप, 5.94 करोड़ जो है यूपी से बाहर निकले हैं। दूसरे नंबर बिहार है, तीसरे नंबर एमपी से, जहाँ के सबसे ज्यादा गरीब जो है बाहर निकले हैं गरीबी रेखा से। इसके अंदर डायमेंशन की बात करें कौन कौन से आते हैं, तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके इसके डायमेंशन है। 70 नंबर की न्यूज है आपकी, डायरेक्ट टू मोबाइल, ये क्या है, D2M है, तो ये IT मंत्रालय के द्वारा है और IIT कानपुर की सहायता से इसे तैयार किया गया है। 2025 तक देखिए बिना सिम के इंटरनेट कनेक्टेड आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग की बात इसमें कही जा रही है D2M, ठीक है, 2025 तक, और FM रेडियो की तरह ये काम करेगा। हैवी श्योर वैक्सीन की बात करें, देखिए ये हेपेटाइटिस ए की फर्स्ट स्वदेशी वैक्सीन है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये विकसित किया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, ये आप देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 1965 में ये बनी थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, कौन, नेशनल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए निसार की बात करें, तो निसार क्या है, तो ये नासा और इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पृथ्वी के देखिए 2D या 3D स्ट्रक्चर के लिए भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 2014 में समझौता हुआ था, ये देखिए सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया जाएगा, 3 वर्ष इसकी अवधि होगी, प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी के मानचित्रण ये करेगा, वेटलैंड, वोल्केनो, विस्फोट, ग्लेशियर का अवलोकन ये करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा उन्हें। 12,000 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है, 24 सेंटीमीटर का एल बैंड होगा जो कि नासा द्वारा तैयार किया जाएगा, और 13 सेंटीमीटर का एस बैंड होगा जो कि इसरो द्वारा तैयार किया जाएगा। 73 की न्यूज है मणिपुर की, देखिए ST कम्युनिटी कौन कौन सी, तो कुकी जोमी जनजाति है और मैती जनजाति है, चीज़ आपको ध्यान देना है। ब्रू समुदाय की बात करें, तो ब्रू समुदाय देखिए बंजारा समुदाय है, वैष्णव धर्म को मानता है, ये देखिए चीज़ आपको ध्यान देना है। म्यांमार के मूल निवासी हैं ये, इन्हें देखिए मिजोरम से त्रिपुरा में लाया जा रहा है। ये देखिए झूम खेती हो गया, बुनाई करते हैं, और इनके 2 गुट हैं, एक मेस्का है और एक मूल सोई है। 74th नंबर की न्यूज है आपके, क्या है, यहाँ पर है पुंगनूर गाय, ये हाइट इनकी कम होती है, आंध्र के रायल सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं, 112 साल पुरानी ये नस्ल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इनका अदर नाम क्या है, ब्रह्मा नस्ल की गाय है। मिल्क में वसा कितना होता है, तो 8% होता है, सामान्य दूध में देखिए वसा 3 से 3.5% लगभग होता है, 3 से 3.5% तक। एवरेज मिल्क ये कितना देती है, 2 लीटर पर डे देती है, दूध कम देती है, ठीक है, ये आंध्र के रायल सीमा क्षेत्र पाई जाती है पुंगनूर गाय। 75th नंबर की न्यूज है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आपकी कहाँ होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में बना था। इसके द्वारा देखिए रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम्पिटिटिवनेस इन रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट आती है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ही जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये भी यही जारी करता है, इंपॉर्टेंट है, जितनी भी 5 रिपोर्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम इसके का है आइडियोटिस निग्रेसिप्स है। स्टेट बर्ड ये किसका है, तो राजस्थान का है। इसका देखिए लोकल नाम क्या है, तो गोदावन है। घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का यह संकेतक है। IUCN की देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। 77th नंबर की न्यूज़ क्या है, ड्रोन दीदी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में PM मोदी ने घोषणा की थी, नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, ड्रोन प्रदान करके 15,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने की बात इसमें कही गई है। वन व्हीकल वन फास्ट ट्रैक पहले, ये चीज आपको ध्यान देना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 31 जनवरी 2024 से अपूर्ण KYC वाले फास्ट ट्रैक समाप्त कर दिए जाएंगे या तो निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है DMN 11, ये क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH 11 क्या है, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, सरसों की ये जेनेटिक्स मॉडिफाइड ये फसल है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे विकसित किया है 2007 में। ये संकर प्रजाति है किसकी, तो वरुण और पूर्वी यूरोप की प्रजाति की है, ठीक है, 30% प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज किया गया है। महतारी वंदन योजना की बात कर लीजिए, तो देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, महिलाओं को 1,000 की मासिक जो है सहायता दी जाएगी। ग्रीन रूम की बात कर लें, ग्रीन रूम क्या है, तो यूक्रेन में ग्रीन रूम बनाया गया है, UNDP डेनमार्क के गवर्नमेंट द्वारा,
इस पे देखिए पुलिस अधिकारी बाल पीड़ित अपराधों के गवाहों के मध्य बातचीत करने के लिए ग्रीन रूम तैयार किया गया है। ये डार्ट क्या है? तो DAT, डिस्ट्रेस अलर्ट अलर्ट ट्रांसमीटर, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है ये, मछुआरों को चेतावनी के लिए बनाया गया है डार्ट, ठीक है, ये इसरो ने विकसित किया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 83rd खबर है आपके लिए, कनाट प्रणाली। कनाट प्रणाली क्या है? तो प्राचीन जल आपूर्ति प्रणाली है ये अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए कनाट प्रणाली बनाई गई है। चंद्रका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य आपके उड़ीसा में है, हिरणों को स्थानांतरित यहाँ से कर लिया गया है। कच्ची खरे की ये क्या है? तो ये देखिए खजूर की एक प्रजाति है, गुजरात की है ये, ठीक है, GI टैग इसे मिला है कच्ची खरे को। इसको देखिए नाम की बात करें तो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट। इसकी बैठक आपकी युगांडा के कंपाला में हुई है 2024 से 2027 के लिए, यही बैठक होगी। एस जयशंकर जी है भारत की तरफ से गए थे। इसकी स्थापना देखिए 1961 में हुई है। कौन कौन से देश शामिल थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष नीति की स्थापना की थी? तो भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। आइए देखिए 1961 में स्थापना कहाँ हुई थी? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी। डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज की बात करें तो भारत फ्रांस और UAE के संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये चीज आपको ध्यान देना है, और ये अरब सागर में हुई है। इसको देखिए साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो भारत और मिस्र के मध्य हुई है, मिस्र के अशांश में हुई है। इसको देखिए खंजर एक्सरसाइज है, खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान के मध्य हुई है, बकलो हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए संजय प्लेटफॉर्म ये क्या है? तो देखिए IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, हरियाणा में ये लॉन्च किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के क्षेत्र को एनालाइज करने के लिए ये काम करेगा, ठीक है, कौन? संजय प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड से स्टॉक मार्केट की बात करें, देखिए टॉप की बात करें तो USA है, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया, ये चीज आपको ध्यान देना है। चौथे नंबर पर आपका भारत का स्टॉक मार्केट आता है। इसके बाद देखिए स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की बात करें तो संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया है, और मंत्रालय कौन सा है? तो उद्योग मंत्रालय है। बेस्ट परफॉर्मेंस देखिए गुजरात है, फिर कर्नाटक, फिर आपका केरला है, और लीडर में बात करें तो लीडर में आपका आंध्र प्रदेश, असम, MP, फिर आपका UP आता है लीडर वाले पोर्शन में। इंडिया में देखिए टॉप 3 स्टार्टअप में आपका शामिल हो गया है, ठीक है, 112 यूनिकॉर्न है जो कि आपके भारत में बने हुए हैं। ये क्या है? गाटा 4 जीन क्या है? तो देखिए गर्भवती महिलाओं द्वारा एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन यदि करती हैं तो इस जीन में समस्या के कारण बच्चों में जन्मजात हृदय में छेद होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये BHU वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। निदान के लिए देखिए जीनोम चिप विकसित करने की योजना की बात की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेल मंत्रालय द्वारा 19 से 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आपके ये खेले गए, ध्यान देना है। इसका लोगो क्या है? तो कवि तिरुवल्लुवर की आकृति है। फर्स्ट टाइम देखिए दिल्ली 2018 में ये आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम। 17 खेल इसमें शामिल हैं। इस बार देखिए क्रिकेट आपका शामिल नहीं रहता है इसमें, चीज भी आपको ध्यान है। इसका शुभंकर क्या है? तो वीरा मंगई वेलानु चियार, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए वीरा मंगई चिलुनियार की बात करो तो फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी भाषा की ये ज्ञाता थी, ठीक है, ये ठीक है, फर्स्ट रानी थी जो कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी। तमिलनाडु के शिवंगई की राजधानी थी। महिला टुकड़ी उदयाल इन्होंने गठित की थी। तिरुवल्लुवर की बात करें तो देखिए दक्षिण भारत के संत कबीर माने जाते हैं ये। इन्होंने रचना की थी तिरुकुरल कुराल की। 3 भाग है इस पर, धर्म अर्थ काम है, चीज आपको ध्यान देना है। तिरुकुल्लर जो थी ये नीति पर आधारित बुक थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 95th नंबर है आपका न्यूज क्या है? नेचर टूरिज्म मिशन ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा है। संवेदनशील आर्द्र भूमियों पर पर्यटन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। 16 रामसर स्थल है जिसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखिए विजय राघवन पैनल, ये देखिए DRDO की कार्य प्रणाली के लिए पैनल बनाया गया है। अगस्त 2023 में गठित किया गया था। कार्य प्रणाली विलंब पर चिंता इन्होंने व्यक्त की है, ठीक है, DRDO में। DRDO की स्थापना आपकी कब होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसरो की स्थापना आपकी कब होती है? तो 1969 में होती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। लोकपाल और लोकायुक्त लागू होता है कब? 16 जनवरी 2014 से, ये चीज आपको ध्यान देना। 2014 में लागू स्टेचुअरी बॉडी के आधार पर स्वीड के ओम्बड्समैन से ये प्रेरित है, ये चीज आपको ध्यान देना। भारत में अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो कुमार सेन ने दी थी जो कि विधि मंत्री थे। शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था लोकपाल का? तो LM सिंघवी ने किया था। पहली बार सिफारिश किसने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो आया था आपका, उसी पर सिफारिश की गई थी। अब फर्स्ट टाइम पास कब हुआ था? तो 1967 में पास तो हो गया था, लेकिन लोकसभा विघटित होगा हो जाने के कारण ये बिल भी
कोलैप्स हो गया था। इसके बाद ये सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग 2002 में बना था, ये चीज भी आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकपाल की बात करें, देखिए एक हेड होता है और आठ इसके सदस्य होते हैं, चार जो है न्यायिक सदस्य होते हैं, चार जो होते हैं आपके देखिए एससी एसटी ओबीसी श्रेणी से आते हैं। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है। जो ये चेयरपर्सन बनता है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई या अन्य कोई भी बन सकता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना, 25 साल का इन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेन्योर क्या होता है, 5 साल इनके हो जाने चाहिए या तो फिर 70 साल की उम्र होनी चाहिए। चयन समिति में देखिए लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, विपक्ष नेता आते हैं, सीजेआई आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विधि विशेषज्ञ। लोकपाल देखिए बात करें तो सिविल न्यायालय की तरह आपका काम करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 98th नंबर की न्यूज है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। 23 जनवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 2021 ये स्टार्ट किया गया है। इसको देखिए पुरस्कार 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसे हम फेरा FCRA एक्ट कहते हैं, 2010 का है, ठीक है। इसको देखिए दो संस्था को मना कर दिया गया है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और वर्ल्ड विजन इंडिया को इसके माध्यम से मना कर दिया गया है, जो कि अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं ले पाएंगी। इसके बाद एक 100th खबर है आपके लिए, वैभव फेलोशिप, ये वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विदेशी भारतीय मूल के साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग आदि के अनुभव को भारतीय संस्थान से साझा करने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद 101 यानी 101वीं न्यूज क्या है आपके लिए, मधिका भाषा या आपकी चकलिया समुदाय, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान देना है। मधिका भाषा क्या है, तो विलुप्ति के कगार पर आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तेलुगु कन्नड़ मलयालम का ये तीनों का मिश्रण है और ये केरल में बोली जाती है। चकलिया समुदाय की देखिए बात करूँ, देखिए मूल रूप से खानाबदोश ठीक है, उपासक कौन थे इसके, तो थिरु वेंकट रमन और मरियप्पा थे, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में वर्गीकृत की गई है चकलिया समुदाय, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, यानी अनुसूचित जनजाति। तो ये दोस्तों आप लोगों का जनवरी मंथ का करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर कर दिया है, देख सकते हैं लगभग 101 न्यूज है जो आपके लिए जनवरी मंथ से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये देखो कहीं त्रुटि भी आपको समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।